दुनिया की सबसे महंगी कार से भारतीय राजा ने उठवाया कचरा। कहानी अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर की है, जिसने रॉल्स रॉय की लग्जरी गाड़ियों को कचरा ढोने में लगा दिया था। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। कहते हैं लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉय को सबक सिखाने के लिए उन्होंने नई गाड़ियां खरीदी और उन्हें कचरा ढोने में लगा दिया। किस्सा 1920 के आसपास का है। महाराजा जयसिंह प्रभाकर लंदन में थे। एक दिन वो राजा की पोशाक छोड़कर आम कपड़ों में लंदन घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर रॉल्स रॉय के शोरूम पर पड़ी। शोरूम के अंदर खड़ी एक लग्जरी गाड़ी ने राजा को आकर्षित कर लिया, तो वो उसे देखने के लिए अंदर चले गए। वो साधारण कपड़ों में थे, इसीलिए शोरूम के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं सके और गरीब समझकर बाहर जाने को कहा, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। महाराजा ने तय किया कि वो रॉल्स रॉय से अपना बदला जरूर लेंगे। राजा ने इस बात को दिल पर ले लिया और तय किया कि वो रॉल्स रॉय को सबक सिखाएंगे। इसके लिए वो राजा की तरह रॉल्स रॉय शोरूम के अंदर दाखिल हुए। शोरूम के कर्मचारियों को पहले से ही खबर लग चुकी थी कि अलवर के राजा गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने महाराजा जयसिंह प्रभाकर का खूब अभिवादन किया। राजा ने बिना टाइम खराब किए एक साथ रॉल्स रॉय की कई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कहते हैं उन्होंने सभी गाड़ियों के पेमेंट कैश में कर दी। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शोरूम के सभी कर्मचारी खुशखुशाल थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा जयसिंह उनकी गाड़ियों के साथ आगे क्या करने वाले थे। आगे जैसे ही गाड़ियों की डिलीवरी भारत में हुई, राजा जयसिंह ने सभी गाड़ियों को नगरपालिका को सौंप दिया। साथ ही आदेश दिया कि आज इसमें ही कचरा उठाया जाएगा। राजा के इस कदम के बाद रॉल्स रॉयस की गाड़ियां मजाक का पात्र बनने लगी। लोग इन्हें खरीदने से पहले परहेज करने लगे। सबको लगने लगा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है, उसे कोई कैसे चला सकता है। कहते हैं अंत में कंपनी ने पत्र लिखकर राजा जयसिंह से अपने कर्मचारियों के व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। साथ ही अनुरोध किया था कि उनकी गाड़ी से कचरा उठवाना बंद कर दिया जाए। राजा जयसिंह ने भी अपना दिल बड़ा करते हुए कंपनी को माफ किया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया था। अपने इस कदम से राजा जयसिंह दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करना ठीक नहीं है। इंसान कपड़ों से अमीर या गरीब कभी नहीं बनता। हर इंसान को आदर और भाव देना चाहिए।